खंडवा जिले में 130 करोड़ रुपए के आबकारी ठेकों में जबरदस्त व्यावसायिक स्पर्धा के कारण नुकसानी झेल झेल कर परेशान हो चुके शराब ठेकेदारों ने क्रेड सिंडिकेट बना लिया है, जिससे जिले में शराब के दाम बढ़ गए। दरअसल मात्र 4 माह बाद जिले में फिर से ठेके दिए जाएंगे। ऐसे में 4 महीने में नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से क्रेड सिंडिकेट बनाया गया है। सोनरूप के भोपाल से आए अधिकारियों से हुई लंबी बैठक के बाद खंडवा के 2 बड़े ठेकेदारों प्रमोद पुरी और राजेश ठाकुर ग्रुप ने इस बात पर आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि अब MRP से कम कीमत पर दुकानों से मदिरा विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा है कि हमको काफी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सब ठेकेदार मिलके एक ग्रुप बना लें और जिससे एक रेट हो जाए सारे शहर में, जो कंपटीशन चल रहा है, जो हम ग्राहक को, जो ग्राहक की कैपेसिटी एक पौआ है उसको हम अधी पिला रहे हैं, इसलिए कि उसको सस्ता लगता है तो वो ज़्यादा पी लेता है। और इसमें जो हमारा एक बॉम्बे बाज़ार वाले कंपटीटर है, वो डिस्टिलर भी हैं, उनका कहना था कि जब तक आप पूरा माल हमारा नहीं बेचोगे तो हम इसमें आपस में समझौता नहीं करेंगे। तो उस दिन हमने उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ बुलाया और बुला के बोला कि हम थोड़ा बहुत आपका माल बेचेंगे, हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आपको तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बहुत बड़े डिस्टिलर हो और हम छोटे छोटे आदमी हैं और थोड़ा सा भी घाटा देंगे अगले साल बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए शहर में एक रेट को कर लिया आपस में। और ये भी है कि भी कोई भी ठेकेदार मतलब कि कोई भी कंपटीशन नहीं करेगा और सबको एक ही रेट से, कोई भी हो चाहे पत्रकार हो या बड़ा कोई भी हो, उसको एक ही रेट से दारू दी जाएगी। जिले में आपसी खींचतान के चलते आधी दरों पर खुलेआम शराब बिक रही थी। इतना ही नहीं, ठेकेदारों ने एक दूसरे का अवैध शराब का परिवहन पकड़वाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से सरकार ने वेट टैक्स की राशि 5% से बढ़ाकर 10% कर दी, जिसे ठेकेदारों को अपनी जेब से अर्थात मुनाफे से ही भरना पड़ रहा था। नुकसानी बढ़ती जा रही थी, इसे देखते हुए रेट सिंडिकेट बनाया गया। अब वेट टैक्स की राशि भी पीने वालों से ही वसूल करने की ठेकेदारों की मंशा है। सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो ये आई है कि सरकार ने, आपको भी पता है कि 5% वैट बढ़ा दिया। पहले हमारे पे 5% वैट लगता था, अब 10% वैट लग रहा है। और सरकार ने MSP और MRP नहीं बढ़ाई, उससे क्या हुआ, जो हमारा मार्जिन था वो, जो अगर हम MSP पे बेच रहे हैं तो बिल्कुल नील के बराबर था। तो हमारा ये था कि अगर हम MRP पे बेचेंगे तो कम से कम हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लाइसेंस फीस जमा करनी है। और मेरे समझता हूँ कि जितने भी हम लोग ठेकेदार हैं सबकी हालत ख़राब थी, अब सबको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाएगी और लाइसेंस फीस जो है वो टाइम से जमा करने की हम कोशिश करेंगे। ठेकेदार प्रमोद पुरी का कहना है कि अब किसी को भी कम दामों पर अर्थात परसेंटेज की छूट नहीं मिलेगी, उन्हें निर्धारित मूल्य पर ही शराब खरीदना होगी। जिले के आबकारी ठेकों में जबरदस्त व्यावसायिक स्पर्धा के कारण सिर्फ मदिरा प्रेमी मजे में थे, जिन्हें आधे दामों पर मनचाही शराब आसानी से उपलब्ध हो रही थी। पर ग्राहक जो है वो आज की डेट में हमसे बहुत नाराज है कि जिनको आज RC की बोतल 500 रुपए की मिल रही थी आज उनको 800 की मिलेगी, उनको तकलीफ तो है। अब शराब ठेकेदारों द्वारा बनाए रेट सिंडिकेट से मदिरा प्रेमी विचलित है। वे कहते हैं कि शराब पीना उनकी मजबूरी बन चुका है। आप खाते पीना हम 150 रुपए रोज कमाते हैं, हमको आदत हो गई दारू पीने की, जब तक दारू नहीं पिएगा नींद भी नहीं आएगी हमको। हमें 70 रुपए की दे रहा है, पहले 50 की आती थी, पहले 50 कोई भी दे देता था हमको, मांगते थे तो अब 70 रुपए किससे मांगना, तुम दोगे क्या हमको, तुमसे अभी 10 रुपए मांगो तो दे दोगे, ला दो 10 रुपए, मैं दारू पी क्या हुआ। ठेकेदारों ने बहुत नुकसान हो गया, 20 रुपए ऐसा कहा से लाया, 150 रुपए रोज तो कमाते हम, ठेला धकेलना पड़ता हमको और हमको आदत हो गई जब तक के दारू नहीं पिएगा तो ठेला कहाँ से धकेलेंगे। ये बड़ा है कि जो 10-20-30 बचते थे वो भी छीन लिए इन लोगों ने, ये इतना भाव नहीं बढ़ता है, ये क्या है 20 रुपए बढ़ा दिए एकदम, अच्छी बात नहीं। पहले अपन कम पैसे में क्या फायदा था और अब क्या नुकसान है। फायदा ये था 50 का था उन 30-10 रुपए मिला के 30 का खाना खा लेते थे, थोड़ा पेट में चले जाता था, अब से क्या पूरा 80 देना पड़ता है। रेट होना चाहिए कम, नहीं तो फिर दारू बंद हो जाना चाहिए, दारू बंद हो जाए अच्छी बात हो जाए, ना आएंगे कलाली के बाद ना दारू पियेंगे हम।
दारू खुली रहेगी तो 100 का भी हो तो पीना ही पड़ेगा। सही बात है, आदत पड़ी है तो क्या, आदत का कोई मजबूर कार नहीं है। सरकार को है ना दारू से लाभ है, सरकार को इंसान का लाभ नहीं है, इंसान का लाभ थोड़ी है। चोरी कर करके दारू पी रही। पहले इंसान मेहनत करके पैसे लाता था, अब इनके चोरी करके लाएंगे। हालांकि शराब ठेकेदारों द्वारा बनाया रेट सिंडिकेट कितने दिन चल पाता है यह देखना होगा, क्योंकि अंतिम तिमाही में सबको अपना माल खपाने अथवा नुकसानी कवर करने की जल्दबाजी रहेगी। इसी के चलते सिंडिकेट टूट जाने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि अगले साल फिर हमको काम लेना है और तभी काम लेंगे। अगर चार पैसे हमारे पास होंगे ना तो कैसे काम लेंगे। वैसे हमने 8 महीने में सब ठेकेदारों ने मिलकर बहुत नुकसान दिया है, कोई भी ठेकेदार सुखी नहीं था। अब क्या है कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर अपना इतना तो लग रहा है कि अब हम अपनी जो कॉस्ट है उसको निकाल पाएंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ निकाल पाएं। मनीष अहिरवार के साथ अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।